मुरादाबाद पुलिस प्रशासन ने सावन का महीना शुरू होते ही चलने वाली कावड़ यात्रा को अलर्ट पर रखा है, जिसके चलते आज मुंडा पांडे थाना परिसर में मुरादाबाद मंडल के DIG शलभ माथुर ने नेशनल हाईवे के रामपुर अधिकारी और मुरादाबाद के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर कावड़ यात्रा पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए और कावड़ियों के लिए मुख्य चौराहों पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने को लेकर मीटिंग में पहुंचे हाईवे के अधिकारियों से रह गई तैयारियां मुकम्मल करने की बात कही। DIG शलभ माथुर ने सभी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देकर कहा कि जो भी हाईवे पर चलने वाली भारी वाहन हैं, उनके लिए जो रोड निर्धारित रूप से तय किए गए हैं उस पर ही भारी वाहन चलाएं और कावड़ियों को तय रास्ता दिया जाए। बेसिकली आज SSP मुरादाबाद साहब और रामपुर के नोडल जो कावड़ के अधिकारी हैं और साथ ही साथ CO ट्रैफिक मुरादाबाद और संभल से जो CO चंदौर सिंह हैं, ये सभी लोग आज एक मीटिंग लोग के द्वारा जो ये कावड़ को लेके रूट का डाइवर्जन है उसको कैसे एनफोर्स किया जाए, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए और साथ ही साथ हम लोग के पुलिस कर्मियों को किस तरीके से ड्यूटी करनी है, कहाँ पर बैरियर लगना है, पूर्व में भी इस संबंध में चर्चा की गई है, तैयारी काफ़ी इसके अंदर की गई है। शलभ माथुर कावड़ियों को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कावड़ यात्रा में कोई परेशानी आएगी तो नहीं। मुरादाबाद से नक्शे अहमद की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।